स्तोत्रं गच्छावि स्तोत्रं 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 राजादि राजावे स्तोत्रं 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 महत्व प्रभुवे स्तोत्रं 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 உயர்ந்தும் பொங்கியுள்ள சிம்ஹாசனத்தில் வாழறிழுந்த மகாகர்த்தனே ஸ்தோத்ரம் 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 பரிசுத்தனே ஸ்தோத்ரம் 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 அடுத்துகூடாத வெளிச்சத்தில் வாழறிழுந்தவனே ஸ்தோத்ரம் 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 சராஃபுகளும் கரூபுகளும் பிரதான தூதன்மாரும் மூப்பன்மாரும் கொடாறு கோடி தூத விருந்தவும் வணங்கி தாணி வீணு நமஸ்கரிக்கிறவனே ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்துதி 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 உச்சாய தெரி ஸ்துதி ஹோ ஹே சர்வசக்தி மான் யெகோவா தெரி ஸ்துதி தெரி ஸ்துதி தெரி ஸ்துதி தெரி ஸ்துதி தெரி ஸ்துதி சர்வசக்திமான் பரமேஸ்வர சர்வஜானி பரமேஸ்வர சர்வவியாபி பரமேஸ்வர தெரி ஸ்துதி ஹோ ஸ்துதி ஹோ ஸ்துதி ஹோ ஸ்துதி ஹோ ஸ்துதி ஹோ ஸ்துதி ஹோ மகிமா ஹோ மகிமா ஹோ மகிமா ஹோ மகிமா ஹோ அதி பவித்ரவர் தேஜோ மை பரமேஸ்வர தெரி மகிமா 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 सारे सिंहासन के ऊपर सारी प्रभुता के ऊपर सारी शासन के ऊपर हालेलुया विराजमान यहोवा तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तारीफ 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 जो देखी हुई है जो अनदेखी है सारे चीजों के सृजनहार परमेश्वर तेरी तारीफ 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 वंदना हो वंदना 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 झुककर वंदना हालेलुया तेरे पाद पीठ पर झुककर वंदना 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 उपासना 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 हृदय की गहराई से उपासना 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 करुणामय प्रभु तेरी उपासना परम दयालु परमेश्वर धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए तेरे ही फाटकों से प्रवेश कर तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी हम आते हैं we come with thy humble children come seeking thy blessed face offering unto thee such sacrifices of thanksgiving entering through thy gates O master we come to worship the living God bowing down before thy throne of grace falling down at thy footstool we come to worship thee in reverence we come to ascribe unto thee glory and honor we come tere naam ko unche uthane ke liye tujhe mahima dene ke liye तेरा आदर करते हुए भाई मानते हुए तेरे संतान आते हैं हमारे लिए खोल दिया गया फाटक के द्वारा हम आता है यीशु का शरीर फाड़ कर हमारे लिए तूने जो प्रवेश दिलाया वो प्रवेश के द्वारा वो प्रवेश द्वार से हम आते हैं We come through the doors that are wide open for us By tearing down the curtain that is the body of Jesus, we come with thanksgiving to worship thee, O Lord. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे सबसे पहले इस नीच पापी इस बलहीन दास को तैयार कर सारी कुटिल दाटा मैलापन धोके निकाल मुझे शुद्ध कर मेरे चित्त को शुद्ध कर प्राण को आत्मा को शरीर को शुद्ध कर ताकि मैं पवित्र दास से पायमान होकर तेरी आराधना कर सकूं तेरे जन आ रहे हैं आके बैठे हैं प्रभु तू उनकी सहायता कर पवित्र आत्मा उन्हें भी तैयार कर दे प्रभु पूरी तैयारी से
சத்தியமே அவர் பவித்திர ஆத்மாவை தேடி ஆராதனாக்கர் கேள்வியே துவகத்தை யாருக்கு जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किया जाए, परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए। May the Holy Spirit lead us and guide us according to His good wish and will and pleasure। पवित्र आत्मा में चलाए, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलाए। इस आराधना के पवित्र आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बांधते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में आराधना करेंगे। We shall worship the King in the liberty of the Holy Spirit, controlled and guided by Him, helped by Him। पवित्र आत्मा की सहायता से उसके नियंत्रण के अधीन बने रहेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारी ये प्रभु दिवस की आराधना एक खुशबूदार बलि सा परमेश्वर के सम्मुख स्वीकृति पाए, ये हमारी प्रार्थना। May our worship on this Lord's day be accepted as a fragrant offering of master before thee। How we desire to offer unto thee such sacrifices of praise, worship, adoration and thanksgiving। हम आते हैं प्रभु ये चाहत से आते हैं, हम ऐसे बलि चढ़ाए, स्तुति बलि, धन्यवाद की बलि, आराधना की बलि चढ़ाए जो तुझे प्रसन्न करे। आदि से अंत तक हमें चलाते रहे प्रभु, पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में रहे। वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए और पवित्र आत्मा के अधीन बने रहे। जो भी तू चाहे तू कर प्रभु, तब से बातें कर प्रभु, तभी छूले प्रभु। स्पीक अन टू अस ऑल लॉर्ड, मे रिसीव अ फ्रेश टच। अब्बा रिवाइव अस ऑल लॉर्ड दैट वी मे रिजॉइस इन थी, और तुझ पे आनंदित हो जाने के लिए। अब तू हमें जागृति भेज प्रभु, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, सारी महिमा और आदर तेरी हो, आशीष हमारी बहुत ऐसे हो। यीशु के बेटे नाम से मांगता आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर प्रभु दिवस उसके चरणों पर इकट्ठा होकर उसको स्तुति आराधना करने का सौभाग्य प्रभु की अद्भुत कृपा से हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले आई। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद। मैं आप सबका स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। जैसे हमारी रीति है वैसे हम आज भी भजन से एक तीर्थ यात्रा करते हैं। वी विल टेक अ शॉर्ट टूर थ्रू द साम्स। पहला भजन से हम शुरू करते हैं। वहां कहते हैं क्या ही धन्य है वो पुरुष, ब्लेस्ड इज द मैन, ऐसा कहकर ये भजन शुरू होता है। बहुत सुंदर बात। द बुक ऑफ साम्स बिगिंस दस, ब्लेस्ड इज द मैन, दैट्स गॉड्स डिजायर। परमेश्वर के लिए एक आग्रह यह है मनुष्य धन्य बने रहे, आशीषित बने रहे, आमेन, आशीर्वादित बने रहे। That man be blessed।
Let a man be anointed. Hallelujah. Let a man be counted blessed. Favored. ये परमेश्वर के क्यों एक आग्रह हालेलुया क्या ही दंडी वो पुरुष परमेश्वर के हृदय में मेरे विषय में और आपके विषय में जो चित्र है जो तस्वीर है जो आग्रह है जो सपना है वो यह है दिस इज द ड्रीम ऑफ हिज हार्ट दिस इज द डिजायर ऑफ हिज हार्ट दिस इज द लॉन्गिंग ऑफ हिज हार्ट टू सी अस ब्लेस्ड टू रिमेन ब्लेस्ड इज हिज हार्ट डिजायर Blessed is the man जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता who does not walk in the counsel of the wicked हम उसके ऊपर मानन नहीं करते हम जानते हैं दुनिया वाले के सलाह पर हम नहीं चलते वो लोग कितने भी अच्छे लोग क्यों न दिखाई दे however good the worldly are however dependable they may look like however concerned they are about us we refuse to walk according to their counsel हम उसके सलाह के अनुसार नहीं चलेंगे उसके युक्ति के अनुसार हम नहीं चलेंगे कितना भी अच्छे क्यों ना हो कितने भी भरोसेमय क्यों ना दिखाई दे कितने भी वो लोग हमारे जीवन में दिलचस्पी क्यों ना रखे फिर भी हम उसके रीति से उसके कहने के अनुसार उनके सलाह के अनुसार नहीं चलेंगे वी जस्ट रिजेक्ट देयर काउंसिल और पापियों के मार्ग में कड़ा नहीं होता नो स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर इसके ऊपर हम मनन नहीं करते इसलिए कि अब जानते हैं सिनर कौन है पापी कौन है दुष्ट कौन है पापी कौन है हम जानते हैं जिसने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा जो परमेश्वर के मार्ग में से होकर चलने के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है द विकेड इज द वन हु हैज नॉट सरेंडर्ड हिज लाइफ टू द लॉर्ड Who has not submitted himself to be led by the Holy Spirit. We will not stand in the way of sinners. People waste their time standing in the way of sinners. हम लोग कितने समय से बर्बाद करते हैं बेकार चीज देखते हुए बेकार चीज सुनते हुए बेकार चीज बोलते हुए कितने समय बर्बाद करते हैं How much of precious time has been wasted by me in looking at things which are foolish, speaking things which are useless. Hallelujah. And standing and gazing at things which I should not. Whether it be my phone, whether it be the TV, whether it be whatever it is. Or the beautiful things that the world offers to me. Ki duniya jo mujhe aakarshit karte wo cheez ho. Ya bekar mein phone ke upar samay bitana ho. Ya TV ke samane samay bitane ho. Jo bhi ho. That is standing, wasting my time. Na tatta karne wale ki mandali mein baitha. Nor sits in the seat of scoffers. I am not in this business. Sir. Only finding fault with the rest of the people and counting myself very righteous. Sir. Apne aap ko bade dharmi samajhte hain. Bahut pavitra samajhte hain. Aur baaki sab log mere drishti mein ekdam gire hue log hain. Yeh tatta uthane wale manushya ka swabhav. This is what the scoffers do. They think they are more righteous than the rest, holier than the rest. बाकी लोगों से अधिक पवित्र हैं. इसके लिए वो लोग गलतियां ढूंढते हैं. They search for drawback in others' lives and try to amplify and magnify those and take great pleasure in that. लोगों को गलती ढूंढने में और उसको बड़ा चलाकर बोलने में और उससे आनंद पाने वाले लोग हैं. कितने बार मैंने ऐसे किया होगा परमेश्वर मेरी माफ कर परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट दिन और रात उसके हृदय में एक ही आग्रह है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना परमेश्वर के वचन को हृदय में समाते रखना He wanted to saturate his heart with the word of the Lord so that he will continue to meditate upon it. His heart desired to walk in his ways according to the word. Vachan ke anusar chalne ke liye, vachan ke anusar kaarya karne ke liye, wo sada tatpar bane rehta. Aisa purush
बाकी कुछ चीज के लिए उसके हृदय में ज्यादा स्थान नहीं देता. There is no place for the worldly things in his heart. He doesn't chase worldly goals or worldly desires or carnal desires. वो चीज के पीछे वो नहीं पड़े रहता. Man, that doesn't grip his heart. उसके हृदय के ऊपर ऐसे पकड़ लेने वाला, प्रभाव करने वाला चीज वो नहीं है. He doesn't chase the things that the world chases. दुनिया वाला किसके पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे वो नहीं पड़ता. वो वचन के ऊपर मनन करता, निरंतर मनन करता, उसकी व्यवस्था पर दिन रात वो ध्यान करता. हमें उसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करता, वो सोता नहीं है, वो कुछ भी करता है. The word guides him and controls him and directs his path, his steps. Hallelujah. Uska matlab hai, sote waqt ho, khate waqt ho, kaam karte waqt ho, kabhi bhi pavitri vachan hi usko marg nirdeshan deta hai. Hallelujah. His word continues to be the lamp unto his feet. Uska vachan hi hamare pairon ke liye deepak hai. Har avastha mein, har ghadi mein vachan hame chalata hai, vachan hame upadesh deta hai, marg dikhata hai. वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है. He is like a tree planted by streams of water. पवित्र शास्त्र में हम ये उपमा बार बार देखते हैं, आदि से अंत तक हम देखते हैं. परमेश्वर के जन के विषय में प्रभु कहते हैं, एक झाड़ के समान है, एक पेड़ के समान है, एक पौधे के समान है, ऐसे कहते हैं. Throughout the scriptures we find man likened to a tree or a plant. Hallelujah. We see this throughout. God loves to liken us to a tree. Hallelujah. वो इस वृक्ष के समान है. अनेक कारण होगा, वृक्ष जो है अपना जगह नहीं चुन लेता, वो वहां लगाया जाता है. Hallelujah. बीज बोने वाला का निर्णय है जहां बीज बोझना है. Amen. जाड़ को लगाने वाला का हृदय का निर्णय है कहां उसको लगाना है. समय आने पर वो वहां से उठाता भी है, दूसरा जगह पर लगाता है. द प्लांट डिसाइड्स वेयर दिस ट्री हैज टू बी प्लांट, वेदर दिस प्लांट हैज टू बी प्लांटेड और द सीड हैज टू बी सोन. इट इज एंटायरली एट द डिसीजन ऑफ द फार्मर. आमेन, आमेन. द सोवर डिसाइड्स, द प्लांट डिसाइड्स. आमेन. लगाने वाला का निर्णय है. वो कोई जाड़ का नहीं है, पेड़ का नहीं है, वो चुपचाप वहां बने रहता, वहां से उसको उगाकर दूसरा जगह में लगाता, वहां वो बढ़ता रहता. हालेलुया. When he gets transplanted, he doesn't question, he doesn't murmur, he doesn't grumble. Hallelujah. Wherever he is planted, there he grows. Hallelujah. Hallelujah. Aur wo chupchap nahi baithta, wo badhte rehta hai. Amen. Wo aahar pakata hai. Ye cheez hum jante hain. अभी बॉटनी सिखाने का समय नहीं है और मैं जानता भी नहीं है. फोटोसिंथेसिस, वो सारी चीज हम जानते हैं जो प्रकाश के कारण ये लोग कैसे अपने पत्ते में आहार बनाते हैं. कुछ लोग ये आहार को संभाल कर रखते हैं. ये सब हमारा कर्तव्य है. वी आर नॉट चोसन टू बी आइडल एंड लेजी. हम ऐसे आलसी बने रहने के लिए बुलाए हुए लोग नहीं है, लेकिन निर्णय परमेश्वर का है. लगाने का काम परमेश्वर का है. वहां से उठाकर दूसरे जगह पर लगाने का काम परमेश्वर का है. हालेलुया, हालेलुया. हम नहीं उसका निर्णय लेता, लेकिन हम बढ़ते रहेंगे. आमेन. नेवरदलेस विल कंटिन्यू टू ग्रो. आमेन, आमेन, आमेन. वी विल नॉट ओनली कुक द फूड बट विल ऑल्सो आमेन We'll keep it for the rainy day. Hallelujah. हम खाना पकाएंगे और ऐसे दिन के लिए, अकाल के दिन के लिए उसको समा के भी रखेंगे. Hallelujah. Amen. This is what David says. दाऊद ने कहा, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में समा कर रखा है, आधी रात को भी ये वचन मुझे उपदेश देता है. Amen. I have saturated my heart with thy word, O Lord, says David, so that in the night watches also his heart will counsel him. हालेलुया. ये ऐसे झाड़ है, ये नदी के किनारे पे लगाए हुए वृक्ष है. हालेलुया. हम नदी के विषय में सीखा, वेदी के किनारे से होकर, वेदी के समीप से होकर बहने वाले नदी के विषय में हमने सीखा, और नदी किनारे पे अनेक वृक्ष है इसे हमने सीखा. बाद में वो वचन से पढ़ेंगे. हमें से केल में से ये पढ़ा. हालेलुया. वृक्ष है, ऐसा वृक्ष का पत्ता जो मुरझाते नहीं है, यहां लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है.
Amen. There is a river, hallelujah, the tributaries of which glad in the heart of God and the city of God. Ek nadi hai, hallelujah, uski shakhaye, hallelujah, uski upanadiya parmeshwar ke shahar ko aur parmeshwar ko aanandit karta hai. Wo nadi kinare pe lagaye hue vriksh ke saman parmeshwar ke jan bane rehna chahiye, aisa uska agrah hai. Hallelujah, nadi se amen am sincha jayega, amen, we will be watered by the waters of this river of gladness and the river of life. Jai jeevan ki nadi, ye anand ki nadi se, hallelujah, hum sincha jayega, hallelujah, hamara pyaas bujhaya jayega, amen, hum badhenge. Aur wo apni ritu mein phalta hai, jiske patte kabhi murjate nahi hai. That yields his fruit in its season and his leaf does not wither. Hallelujah. ऋतु में वो फल लेकर आता, अपने मर्जी से नहीं है, जब परमेश्वर चाहता वो गुण मुझ में प्रकट होता, वो कार्य में करता. आमेन. अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द लॉर्ड एज आई एम गाइडेड बाय द स्पिरिट, हालेलुया, फ्रूट विल बी मैनिफेस्टेड इन मी. हालेलुया. सही समय पर सही बात कहूंगा, सही समय पर सही कार्य करूंगा, सही समय पर सही जगह पर जाऊंगा. आई गो टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आई स्पीक द राइट वर्ड एट द राइट टाइम. हालेलुया. आई डू द राइट थिंग at the right time. Hallelujah. Ritu mein phal lekar aayega. I will yield fruit in its season as commanded by the Lord, as directed by the Holy Spirit. Its leaf does not wither. Hallelujah. Uske vamsh bhi mitenge nahi hai. Hallelujah. Leaves will not wither. My children will not perish. Hallelujah. Our generation will not perish. Hallelujah. Such a man is a blessed man. Hallelujah. Hallelujah. His children remain secure and safe. Uske santan aur uske vamsh, hallelujah, सुरक्षित बने रहेंगे परमेश्वर के सुरक्षा के दीवार के भीतर. हालेलुया, वे लोग सुरक्षित रहेंगे. आमेन. इनसाइड द वॉल्स ऑफ हिज सल्वेशन, मे माय चिल्ड्रन, माय फैमिली, माय कॉन्ट्रीगेशन, आवर जनरेशन, द जनरेशंस टू कम, हालेलुया, द जनरेशंस ऑफ द राइटियस बी सिक्योर्ड. आमेन. आमेन. मुरझाते नहीं है, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है. व्हाट एवर ही डज ही प्रॉस्पर्स इन इट. हालेलुया. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है. हालेलुया. इट इज नॉट दैट ही डज हिज ओन विल एंड ही गोज अपॉन आफ्टर हिज ओन डिजायर्स, ऐसा नहीं है. हालेलुया. ही डजंट चेज हिज ओन गोल्स, हिज गोल्स आर गॉड्स गोल्स. आमेन. हिज डिजायर्स आर गॉड्स डिजायर्स कंसर्निंग हिम. हालेलुया. परमेश्वर के आग्रह के अनुसार वो चलता है, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो चलता, इसलिए जो भी वो करता वो सफल होगा. हमें याद आता शमूएल ने कहा, शाऊल को कहा, शाऊल राजा को कहा, राजा बनने से पहले उसको कहा, तू जाओ नबियों के संग होकर चलो. हालेलुया. पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. जब पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, जो तेरा दिल चाहते करने के लिए वो करो, सफल होगा तुम. हालेलुया. Didn't Samuel advise Saul before he became the king? Go after these prophets, walk with them. The Spirit of the Lord will come upon you with might and power, and do whatever your heart desires to do. Hallelujah. You shall prosper. Hallelujah. May my life be like that. Let me be a blessed man. May your lives be like that. May your lives be blessed. Hallelujah. Doing the will of God, that we will never fail. Hallelujah. We will prosper in all what we do. दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते जो पावन से उड़ाई जाती है. इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सके, ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे. हालेलुया. ये ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं, दुनिया वाले के विषय में कहते हैं, दुनियादारी के पीछे पड़ने वाले के विषय में कहते हैं. वो परमेश्वर के, परमेश्वर जब उसको तोलेगा वो एकदम तुच्छ माना जाएगा. आमेन. इन द इन 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 गॉड्स बैलेंस दे विल बी नॉट नॉट एंड नथिंग. कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है. और अदालत में वो कड़ा नहीं रहेगा. जब यीशु न्याय करने के लिए आएगा तब उसके सम्मुख कड़ा नहीं रह पाएगा. हालेलुया. इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेगा, न पापी, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है. द लॉर्ड नोज द वे ऑफ द राइटियस. हालेलुया. ही हैज प्रिपेयर्ड द वे. हे जीसस सेड, आई एम द वे. वी विल वॉक इन हिम, मूव इन हिम, लिव इन हिम. हालेलुया. हम उसमें जीते हैं, यीशु क्रिस्त में जीते हैं, जिसने कहा मैं मार्ग हूं. हालेलुया. वो जानता है. यहां नहीं लिखा कोई जाड उसका उसका मार्ग को जानता है. नो प्लांट और ए ट्री विल एवर नो वेयर इट विल बी ट्रांसप्लांट
planted the amen where will be next when the seed will be sown usko pata nahi hai lekin parmeshwar janta hai hallelujah parmeshwar janta hai dushton ka marg to nasht ho jayega their ways will end in calamity and devastation and destruction dushte se chalta hai hamara vishay yah hai ek sundar ped ki tarah ye phalavand vriksh ke saman नदी किनारे पे लगे हुए वृक्ष के समान हम धन्य बने रहें मे वी बी ब्लेस्ड एंड बी लाइक ए ट्री प्लांटेड बाय द बैंक्स ऑफ दिस रिवर दैट फ्लोज बाय द साइड ऑफ द अल्टर ऑफ गॉड स्टार्टिंग फ्रॉम अंडर द थ्रोन ऑफ गॉड परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से बढ़ते हुए वेदी के समीप से होकर बढ़ते हुए नदी के किनारे पे लगाए हुए वृक्ष समान हम बने रहे ये परमेश्वर का हृदय का आज्ञा है और इनसे लोगों के विषय में कहते हैं वे धन्य है हम वहां से आगे बढ़ते हैं हमें 37वां भजन में नजर डालना है वी मूव ऑन टू 37th साम एंड रीड 35-36 37 में से 35-36 पढ़ते हैं मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है आई हैव सीन अ विकेड रुथलेस मैन स्प्रेडिंग हिमसेल्फ लाइक ए ग्रीन लॉरल ट्री अपने ही जगह में सही जगह पे बढ़ने वाला एक सुंदर हरा भरा वृक्ष के समान मैंने दुष्ट को बढ़ते हुए देखा है ऐसा लिखा है आई हैव सीन अ विकेड रुथलेस मैन स्प्रेडिंग हिमसेल्फ लाइक ए ग्रीन लॉरल ट्री ऐसा लिखा है जो अपने निज भूमि में लगाया हुआ वृक्ष है वैसा लगता है वो बहुत सुंदरता से खूबी से बढ़ता है हरा भरा दिखाई देता है बहुत आकर्षित करता है दुनिया को वेरी अट्रैक्टिव ट्री ए ट्री थ्राइविंग ऑन इट्स ओन सॉयल लुक्स ब्यूटिफुल एंड इनवाइटिंग ग्रीन परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कभी नहीं पाया कहीं नहीं पाया ही पास्ड अवे एंड बिहोल्ड ही वॉज नो मोर दो आई सॉट हिम ही कुड नॉट बी फाउंड आई एम श्योर इट वॉज नॉट रैप्चर्ड परमेश्वर ने उसको ऐसे स्वर्ग में उड़ाया नहीं है यह सब तात्कालिक है हाउ फूलिश आई विल बी टू बी अट्रैक्टेड बाय सच ट्रीज Magnificent though they may look like, inviting though their fruits may seem to be, I'll be a fool to chase them, to eat of them. ऐसे वृक्ष बहुत सुंदर दिखाई देता मुझे आकर्षित करता उसका फल बड़ा स्वादिष्ट भी लगता होगा लेकिन मैं मूर्ख बनूंगा परमेश्वर की दृष्टि में अगर उसके पीछे मैं पड़ू और वो फल खाकर अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करूं तो इफ एवर आई ट्राई टू सैटिस्फाई माई लॉन्गिंग्स बाय रिलिशिंग ऑन दोज फ्रूट्स आई बी अ फूल आई बी अ कर्स्ड मैन आई विल सीज टू बी अ ब्लेस्ड मैन मैं धन्य पुरुष माना नहीं जाएगा मैं श्रावित पुरुष के समान होगा यह बहुत तात्कालिक है ऐसे कहता है गॉड इज कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट ट्रीज वो तुलना करता है पहले वृक्ष को देखा अभी हमने दूसरे वृक्ष को देखा दोनों हरा भरा लगता है अमें बोथ ट्रीज अपेरेंटली वर थ्राइविंग दे वर ग्रीन बट वन वुड लास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स अ फ्यू डेज अ फ्यू इयर्स एक तो तात्कालिक है कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए है लेकिन दूसरा तो अनंत जीवन के मार्ग में है हालेलुया वो मार्ग प्रभु जानता है But are the tree that is planted by the river side, river bank, hallelujah, is the tree in the way of way everlasting, hallelujah, will remain for eternity. Anand kal tak zinda rahega, anand jeevan ko prapt karne wala ped hai wo. Aise wahan se padhte hain. Hum bhavan mein aate hain. We move on to 52nd psalm. Read from 6th onwards. Tab dharmi log इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे
The righteous shall see and fear and shall laugh at him, saying, See the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches. Dekho, yahi wo purush hai, jisne parameshwar ko apni sharan nahi mana, parantu apne dhan ki bahutayat par bharosa rakhta raha. Yeh hai wo dusht. हमें लगते हैं बहुत बड़ा कुछ ऐसे गलती किया होगा लोगों के सामने. दिस इज दैट विकेड मैन, द वन हु वुड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ एंड हिज रिचेस, द मैन हु वुड नॉट मेक गॉड हिज रिफ्यूज, ही वुड नॉट हम्बल हिमसेल्फ टू अलाउ गॉड टू हैव कंट्रोल ओवर हिम एंड गॉड टू डिसाइड हिज मैटर्स. उसके सारे विषय को निर्णय लेने के लिए वो परमेश्वर को अनुमति नहीं देता, परमेश्वर पर वो पूरा आश्रय नहीं रखता. ही ट्रस्टेड इन द अबंडेंस ऑफ हिज रिचेस, वो अपने धन की बहुत ताकत पर भरोसा रखता. एंड सॉट रिफ्यूज इन हिज ओन डिस्ट्रक्शन, नाम वो अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा. हमें ही वॉज बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, ही वॉज सो स्टबर्न, ही वॉज सो स्टिफ नेक्ड, ही विल वॉक हिज वे इवन व्हेन वांट, इवन व्हेन अदर्स आर ट्राइंग टू काउंसल हिम. ऐसे व्यक्ति है वो अपने मार्ग को चुन लेता है, घमंड से चलता है, गर्व से चलता है, दूसरे लोग उपदेश दे तो भी नहीं मानता, परमेश्वर पर आश्रय नहीं रखता. लेकिन उसका आठवां वचन बहुत सुंदर है. आठवां वचन हम पढ़ते, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है. हालेलुया, आई एम लाइक ए ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड. आई ट्रस्ट इन द स्टेडफास्ट लव ऑफ गॉड फॉर एवर एंड एवर. मेरे परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, यही उसका क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता यह है. हमें पूरा भरोसा परमेश्वर है, पूरा नियंत्रण उसका जीवन का परमेश्वर का हाथ में है. हालेलुया, ही हैज एनस्लेव्ड हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, द होल कंट्रोल ऑन हिज बॉडी ऑन हिज लाइफ इज ऑफ द लॉर्ड, इट इज द होली स्पिरिट हु विल कॉन्टेक्ट हिम. आमेन, आमेन. वो कहते हैं मैं ऐसा मनुष्य है, लेकिन तब मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं. हाउ आई विश दैट आई वुड बी क्लासिफाइड एज ए ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. दुनिया मुझ में कोई आकर्षण नहीं देखता होगा, दुनिया सोचता होगा ये नलायक है, इसमें कोई खूबी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में थोड़ा सा तेल लेकर आने वाला आदमी नहीं हूं. आई एम नॉट समवन हु वंस इन अ व्हाइल विल विजिट द हाउस ऑफ द लॉर्ड विद सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लाइक दोज फूलिश वर्जिन्स, बट आई विल बी द सोर्स ऑफ द एनॉइंटिंग ऑयल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के भवन में मैं स्रोत बनूंगा, आशीष का कारण बनूंगा, आशीर्वाद का कारण बनूंगा, अभिषेक का कारण बनूंगा. मैं जैतून के वृक्ष के समान मैं बने रहूंगा, वो भी परमेश्वर के भवन में. मैं लगाया परमेश्वर ने, उसके आंगन में लगाया, वहां मैं फूलूंगा, फलूंगा, फलों दूंगा, हरा भरा बना रहूंगा, जैतून वृक्ष के समान. ആചരകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തെ പോലെ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ പോലെ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നവനായി, അവനെവിടെ എന്നെ നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്നവനായി, അവനെന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവനായി, തക്ക സമയത്ത് ഫലം കഴിക്കുന്നവനായി ഇരിപ്പാൻ, എപ്പോഴും അവന്റെ വചന പ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കാൻ, ദിനംതോറും വചനത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവനായിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഈ ലോകക്കാരും തഴച്ച് വളരുന്ന ലോകക്കാരൊക്കെയും നൈമിഷികമായ ജീവിതം അത്ര നയിക്കുന്നത്, അവരെ യഹോവയുടെ കോടതിയുടെ മുൻപാകെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയില്ല, അവരെ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചാൽ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ തഴച്ച് വളരുന്ന പച്ച ഒലിവ് വൃക്ഷം പോലെയാകുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചകളിൽ അല്പം എണ്ണയുമായി കടന്നു വരുന്നവരല്ല, നിരന്തരം അഭിഷേക തൈലത്തിന്റെ ഉറവയായി ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കാണപ്പെടും. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായി ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കാണപ്പെടും. ഹരേ ജൈതൂൻ വൃക്ഷിക്ക് സമാൻ മേ പരമേശ്വർ കെ
मंदिर में बना रखूंगा। जैतून के वृक्ष, जैतून वृक्ष के विषय में हम बहुत कुछ जानता नहीं है। वी मे नॉट नो मच अबाउट दिस ओलिव ट्री, बट आई एम टोल्ड दिस ओलिव ट्री हैज टू बी प्लांटेड एंड शुड बी लुक्ड आफ्टर फॉर अबाउट 3 इयर्स। इसको लगाने के बाद छोटापन में छोटे पौधे को लगाते हैं और छोटे पौधे उगने के बाद उसको 2-3 साल तक उसको संभालना पड़ता है, उसके बाद उसको जमीन पर लगा देते हैं। हमें ये जैतून का वृक्ष वैसे जगह पे बढ़ते हैं जो सूखापन है, वहां पत्थर है, इस ऑन स्टोनी ग्राउंड, ऑन हार्ड ग्राउंड दिस प्लांट, दिस ट्री थ्राइव्स। हालेलुया। ये परमेश्वर के जन के विषय में बहुत सुंदर है। When we are born again, amen, we are tenderly taken care of, and the Lord empowers us. The Lord trains our hands unto war, hallelujah, and He sends us into the battleground. Of course, there is the rear guard of the heavenly forces, amen. जैसे हम उद्धार पाते हैं, प्रभु में नया जन्म पाते हैं, तो हमारा पालन पोषण होता है। प्रभु हमारे हाथों को तैयार करता है लड़ाई के लिए, हमारे उंगलियों को ऐसे सिखाता है कि हम धनुष झुका सको। हालेलुया। ही ट्रेन्स आवर हैंड्स एंड आवर फिंगर्स टू वॉर। अमेन अमेन अमेन। वो हमें सिखाकर भेजता है, फिर हम ऐसे कठिन परिस्थिति में, अमेन, हम सूखेंगे नहीं, एक पत्ता भी नहीं मुरझेगा, हम बढ़ते रहेंगे। दिस इज व्हाट वी लर्न अबाउट द ओलिव ट्री, इट विल ग्रो एंड थ्राइव। आमेन। इट्स रूट विल रन डीपर एंड डीपर एंड डीपर। उसको जो जड़ है वो गहराई 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 में जाते हैं, पत्थर के बीच में से जाके और वो जल खींच लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो फिर से हमेशा उसका पत्ता हरा रहता है। हालेलुया। दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस ट्री, दिस प्लांट। उसका पत्ता कभी मुरझाते नहीं है, हर सीजन में, इन एवरी सीजन। हालेलुया। प्रभु हमारे विषय में यही चाहता है, इसके लिए नदी किनारे पे लगाया है। हम सूखी भूमि में क्यों ना हो, मरी भूमि में क्यों ना हो, हमारे जड़ के समीप से होकर परमेश्वर की अदृश्य नदी बह रहा है। हालेलुया। Wherever we are, maybe in the wilderness, maybe in the desert place, on the parched ground, but the unseen river of God will be flowing by the root of this tree. Hallelujah, hallelujah. No leaf will ever wither. उसका एक भी पत्ता मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। हालेलुया। मैं बने रहूंगा परमेश्वर के भवन में, जो परमेश्वर के भवन में बने रहता, जो वचन के ऊपर खड़े रहता। Those who dwell in the house of the Lord are those who abide on the word of God. Hallelujah. They will be nourished. Amen. They will be watered. Amen. उसको वो सींचा जाता है, वो खिलाया जाता है, फलवंत होता है, हमेशा आशीष का कारण बनके रहता है। There will always be a source of blessing. Hallelujah. मैं हरा वृक्ष के समान है। Amen. Amen. हरा वृक्ष के समान है, सदा सर्वदा परमेश्वर को उपस्थिति में पाए जाऊंगा, मैं पाया जाऊंगा। आई विल ऑलवेज बी फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इन द कंपनी ऑफ द सेंट्स आई विल बी। हालेलुया। परमेश्वर के संतों के बीच में दिखाई देगा, मैं परमेश्वर के संग बने रहूंगा, उसके भवन में बने रहूंगा, आशीष का कारण बने रहूंगा। ऐसे वहां से पढ़ते हैं, उसका नवा वचन भी पढ़ता है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। आई विल थैंक यू फॉर एवर बिकॉज यू हैव डन इट। हालेलुया। क्योंकि तूने ये काम किया है। हमें वृक्ष का कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। द ट्री हैज नथिंग टू बोस्ट अबाउट इन इटसेल्फ। Amen. It's all done by the Lord. He brought me. He planted me. He nourished me. His river watered me. Hallelujah. The Son of Righteousness shone upon me. Amen. Amen. उसने हमें संभाला, उसने हमें सुरक्षित रखा, मरुभूमि में भी सींचा मुझको। It is He who planted me. It is He who watered me. It is He who will shine upon me. Amen. It is He who nourished me. Hallelujah. It is He who caused me to flourish and to thrive. तूने किया है, मैं तेरे भवन में इसलिए आनंदित होकर आराधना करूंगा, स्तुति बलि चढ़ाऊंगा, तेरे नाम की बात जोता रहूंगा, क्योंकि वो तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आई विल वेट फॉर योर नेम, फॉर इट इज गुड इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉडली। हालेलुया। माय प्लेस इज इन द चर्च अमंग गॉड्स पीपल, नॉट अमंग द वर्ल्डली। ये दुनिया वाले के बीच में नहीं है मेरा जगह। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भक्तों के बीच में पाया जाऊंगा। आमेन। आई विल एंजॉय कंपनी, आई विल एंजॉय फेलोशिप विद द सेंट्स इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमेन।
इसलिए नया नियम में पढ़ता है जब यीशु का आगमन और निकट होता है हमें ज्यादा ये चाहना है. हालेलुया. वी डिजायर आफ्टर दिस मोर एंड मोर एज हिज कमिंग इज सो वेरी क्लोज. ही इज एट द डोर. हालेलुया. मैं तेरे नाम को बहुत जोता रहूंगा क्योंकि वो तेरे पवित्र भक्तों के सामने अति उत्तम है. हालेलुया. आई विल डू थिंग्स दैट विल गार्ड द हार्ट ऑफ गॉड एंड दैट विल ब्लेस गॉड्स पीपल. मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसे परमेश्वर प्रसन्न होगा और जो परमेश्वर के जन के आशीष के कारण होगा. उनको लज्जित करने वाली बात नहीं, उन्हें नाराज करने वाली बात नहीं, उन्हें गलत मार्ग दिखाने वाली बात नहीं. I will not set a wrong example before them. I will not do anything that will humiliate them, that will be an insult to them. I don't want to be a scar on the church of God. परमेश्वर की कलीसिया में एक काला दाग बनकर मैं नहीं रहना चाहता. मैं आशीष का कारण बनना चाहता परमेश्वर के जन के लिए. आगे बढ़ता. We move on to Psalm 92. बेनबे में हम जाते हैं एंड वी रीड फ्रॉम 12th वर्स ऑनवर्ड. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे. द राइटस फ्लरिश लाइक द पैम ट्री. ग्रो लाइक अ सीडार इन लेबनन. लेबनन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. हालेलुया. ये बढ़ता है. ये जाड़ जो है, परमेश्वर का जाड़ जो है, परमेश्वर के जन एक वृक्ष के समान है. इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं. जाड़ के समान है, वे बढ़ते रहेंगे नो मैटर व्हाट. ऋतु कुछ भी क्यों ना हो, वो बढ़ते रहेगा. यह वृक्ष हर ऋतु में बढ़ेगा, हर मौसम में बढ़ेगा. ऐद कालावस्थेन ई वृक्षम वलरुम. ऐद अवस्थेनो अद वलर्नुकोंडिरिक्कुम. मरुभूमिय वलरुन्न ओरु पनये पोले अद वलरुम. खजूर के समान वो फूले फलेंगे. पिछले दिन भी हम उसके ऊपर मनन किए थे. वी नो हाउ दीज ट्रीज, दीज पाम ट्रीज ग्रो. दे ग्रो स्ट्रेट, दे ग्रो लुकिंग अप एंड दे कंटिन्यू टू बेयर फ्रूट इवन इन द ओल्ड एज. आमेन. खजूर के वृक्ष सीधा बढ़ता है, ऊंचाई की ओर देखकर बढ़ता है, फलवंत बने रहता बुढ़ापे में भी. ऐसे फूलेंगे. आमेन. ऐसे फलेंगे खजूर के वृक्ष समान. आमेन. इन द डेजर्ट प्लेसेस, ऑन पार्च ग्राउंड, ऑन ड्राई सॉयल. आमेन. ऐसे सूखी भूमि पर, मरी भूमि पर वह बढ़ते रहेंगे. इतना ही नहीं, दे फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ गॉड. दे शैल ग्रो लाइक अ सीडार इन लेबनन. आमेन. लेबनन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे. कितने बार हमने सुना है, आज भी शायद हम वहां जाएंगे. लेबनन की देवदार की जो जो खासियतें हम जानते हैं, वहां गर्म हवा निरंतर बहता रहता. हॉट विंड ब्लास्ट अगेंस्ट दीज सैपलिंग्स ऑन दीज ट्रीज ऑन माउंट लेबनन. बट देन इन द नाइट, हालेलुया, ड्यू फॉल्स. आमेन. रात को ओस गिरती है, निरंतर ओस गिरती है. हालेलुया. रात काल में भी मेरे आत्मा मुझे उपदेश देता, सलाह देता. इवन इन द वॉचेस ऑफ द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स, हालेलुया, माय स्पिरिट काउंसल्स मी. हालेलुया. आई विल बी नरिश्ड एस ही विद द फैक्ट. हालेलुया. नैरो, हालेलुया, मैं ऐसा हृष्ट पुष्ट बनाया जाएगा, मेरा पालन पोषण होगा रात काल में भी. Amen. They are planted in the house of the Lord. Iska karan yah hai, Yehova ke bhavan mein rope jaakar. Hallelujah. और यहां लगाया है, परमेश्वर के भवन में लगाए हुए वृक्ष है. यह दुनिया का हाथ से लगाया हुआ नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर की ओर से नई रीति से सृजाया गया वृक्ष है. हालेलुया. दिस हैज बीन रिक्रिएटेड. हालेलुया. क्रिएटेड ए न्यू, बोर्न अगेन. हालेलुया. हालेलुया. प्लांटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. ही पुट मी इन दिस गार्डन दैट इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड. मुझे नए सृष्टि बनाने के बाद उसने मुझे जगत में नहीं छोड़ा, संसार में नहीं छोड़ा, बेसहारे की तरह, ऑर्फन की तरह नहीं छोड़ा, अनाथ के रूप में नहीं छोड़ा. उसने मुझे उठाया और परमेश्वर के बाई में लेकर आया. आमेन. ही क्रिएटेड मी न्यू एंड फ्रेश. हालेलुया. आई एम बोर्न अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विल लिफ्ट मी अप फ्रॉम द वर्ल्ड. हालेलुया. लिबरेट मी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डार्कनेस एंड ही विल इनहैबिट मी. हालेलुया. इन द चर्च दैट इज द गार्डन ऑफ गॉड. आमेन. वहां लगाए हुए वृक्ष है. दे फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ अवर गॉड. इसलिए
हमारे परमेश्वर के आंकनों में वे फूले फलेंगे, परमेश्वर के जन के बीच में कलिसिया में वे लोग फूलेंगे और फलेंगे. विल बी ऑफ यूज टू अदर्स, विल बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स, विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर्स. अनेकों को उत्तेजित करने वाले होंगे, अनेकों को प्रोत्साहन देने वाले होंगे, अनेकों के लिए आशीष के कारण बने रहेंगे. आमेन. They don't have to keep their finger on their noses and lament. Why is it that these people are acting like this? वो लोग ऐसे नाक पे हाथ रख कर ये बोलना नहीं पड़ेगा, ये लोग ऐसे कैसे है. हालेलुया. हम फलवंत होंगे, हम आशीषित बने रहेंगे, हम अनुग्रह के कारण बन जाएंगे. हमें परमेश्वर के जन के लिए यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से हमें वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लल्लहाते रहेंगे. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Hallelujah. बुढ़ापे में ये फलवंद होते हैं. बुढ़ापा हो गया कैसे पता चलता है? इधर उधर कुछ लगेगा शायद. Amen. Looking here and there, if you scrutinize a man, you will find him old or worn out or weak. But there is a lion roaring out of his inner being. Hallelujah. हमें लगेगा ये कमजोर है, ये बुढ़ा हो गया है, इसमें कोई बल नहीं है. लेकिन उसके भीतर एक सिंह है, वो यहूदा का सिंह है, वो सिय्योन से गर्जने वाला सिंह है. हालेलुया. दिस लायन रोल्स आउट ऑफ साइन. हालेलुया. दे शैल बेयर फ्रूट इवन इन द सिकली डे, इवन व्हेन दे आर एलिंग, इवन व्हेन दे आर सिक, इवन व्हेन दे आर लोली, इवन व्हेन दे आर लोली, इवन व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन. जब अकेला हो जाता, अकेला पर महसूस करता, या इसी कमजोरी की घड़ी में है, बीमारी की अवस्था में फलवंद बने रहेंगे. हालेलुया. टू डिक्लेयर दैट द लॉर्ड इज अपराइट, जिससे ये प्रकट हो कि हो वह सच्चा है, यही प्रमाण देता है कि परमेश्वर सच्चा है. आमेन. व्हेन दिस पीपल बेयर फ्रूट इवन इन द ओल्ड एज एंड इन द आवर्स ऑफ इन द डेज ऑफ वीकनेस, दैट विल बी मोर देन प्रूफ एंड एविडेंस दैट गॉड लिव्स, द राइटियस गॉड लिव्स एंड ही केयर्स. हालेलुया. जब ये वृक्ष बुढ़ापन में और कमजोरी के दिनों में फलवंद होते रहता, बढ़ते रहता, तो पता चलेगा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर जीवित है. हालेलुया. उस सिंहासन पर विराजमान है. आमेन. वो प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है. टू डिक्लेयर दैट द लॉर्ड इज अपराइट, दिस इज मोर देन एविडेंस दैट द लॉर्ड इज अपराइट. ही इज माई रॉक, देयर इज नो अनराइटियसनेस इन हिम. वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है. वो धर्मी ठहरता, वो भरोसमय रहता. He abides ever faithful and ever righteous. Hallelujah. He's my rock. In the hour of weakness, he's my rock. In the hour of sickness, he's my rock. In the hour of failure and setbacks, he's my rock. I stand on it. Hallelujah. In my old age, he's my rock. मेरे बुढ़ापा में वो मेरा चट्टान है. कमजोरी के दिन भी वो मेरा चट्टान है. पराजय के दिन भी वो मेरा चट्टान है. नष्ट के दिन में भी वो मेरा चट्टान है. मैं डिगूंगा नहीं अधिक. आमेन. आई शाल नॉट बी शेकन, आई शाल नॉट बी मूव्ड. आई एम प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, आई शाल थ्राइव. हालेलुया. इन द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के भवन में लगाए हुए वृक्ष है मैं. हालेलुया. आप है वो वृक्ष. आमेन. हम फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे हर ऋतु में, हर मौसम में, हर अवस्था में. यीशु के नाम में आमेन आमेन. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഞാൻ വളരും. കാരണം അവനത്രേ എന്റെ പാറ, എന്റെ ബലഹീനതയിൽ അവൻ എന്റെ പാറ, എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ അവൻ എന്റെ പാറ, എന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ എന്റെ പാറ, എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ എന്റെ പാറ. ഞാൻ അധികം കുലുങ്ങുക ഇല്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. യേശു ചാർമി ജാത്ത 104:10-17 ये बहुत लंबा है. भजन 104 10 से 17 तक पढ़ते हैं, हर वचन नहीं पढ़ेंगे. देखते हैं. तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं. यू मेक स्प्रिंग्स गश फॉर्थ इन द वैलीज, दे फ्लो बिटवीन द हिल्स. आमेन. ये परमेश्वर का काम है. वो नदी को ऐसे बहाते, पहाड़ियों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से बहाता है. आमेन. ताकि हम सींचे जाए, दैट वी मे बी वॉटर्ड वेर एवर वी आर. आमेन. दे गिव ड्रिंक टू एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड. आमेन.
वो सबको सींचता है, सबका प्यास को बुझाता है। मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। द वाइल्ड डोंकी क्वेंच देयर थर्स्ट। आई कम वेरी क्लोज टू दिस एनिमल। ये जानवर की समानता में मैं भी हूं। इवन माय थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड इन द विल्डनेस एंड द डेजर्ट प्लेसेस। हालेलुया। I shall be watered, my thirst will be quenched। ऐसे कहते कि सवार इंसान मैं हूं तो भरी भूमि में, सुखी भूमि पर यह वृक्ष सींचा जाएगा और मेरा प्यास बुझाया जाएगा। आमेन। बिसाइड देम द बर्ड्स ऑफ द हेवन्स ड्वेल, दे सिंग अमंग द ब्रांचेस। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं, डालियों के बीच में से बोलते हैं। अभी हमें पता चले ये वृक्ष के विषय में ही कहते हैं, ये वृक्ष ऐसे जंगली जानवर का जैसा है तो भी, इवन दो दिस ट्री में बी लाइक यू ए वाइल्ड डॉग मैन, दिस ट्री विल ट्राई फॉर अदर बर्ड्स टू कम एंड नेस्ट, टू नेसल इन हिज ब्रांचेस। आमेन। अरे छोटे बच्ची आकर उसकी शाखाओं में बसेरा करे उसके लिए। द बर्ड्स ऑफ द हेवन्स विल ड्वेल देयर, दे सिंग अमंग द ब्रांचेस। आमेन। ये झाड़ कटी ताब होगा, सुखी भूमि होगी, अंडर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड प्लांटेड ऑन द पॉच्ड ग्राउंड, इट विल गिव शेड टू मेनी, मेनी बर्ड्स विल सिंग इन देयर इन इट्स ब्रांचेस। वेल, मैं एक हरे जैतून वृक्ष के समान परमेश्वर के जन के लिए परमेश्वर के भवन में होगा। I will like a green olive tree in the house of the Lord, blessing to God's people. Amen. अरे एक बच्ची आएंगे, वहां सुरक्षित बने रहेंगे, वे लोग गाएंगे, खुशी मनाएंगे, अपनी अटारियों में से तू पहाड़ी को सींचता है, और तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त होती है। From your lofty abode, you water the mountains. The earth is satisfied with the fruit of your work. से कहते हैं, हालेलुया, तू उसको सींचता है ऊपर से। आमेन। तुम्हारे सिंहासन से नदी को बहाते हैं। आमेन। The river flows from under his lofty throne. ऊंचाई के सिंहासन से नदी बहता है। From your lofty abode, you water the mountains. The earth is satisfied with the fruit of your work. Amen. ये तेरा ही काम है, जैसे पिछले भजन में हमने सुना, ये तेरा ही काम है, इसके लिए मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, स्तुति आराधना करूंगा। वो पशुओं के लिए घास उगाता है, मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। इस रीति भूमि से वो भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। यू कॉज द ग्रास टू ग्रो फॉर द बीज एंड द प्लांट्स फॉर मैन टू कल्टिवेट, दैट ही मे ब्रिंग फोर्थ फूड फ्रॉम द अर्थ एंड वाइन टू ग्लैडन द हार्ट ऑफ मैन, ऑयल टू मेक हिज फेस शाइन एंड ब्रेड टू स्ट्रेंथन मैन्स हार्ट। ये सब तेरा ही काम है। हालेलुया। मैं तेरा हाथ में एक उपकरण है। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड, आई एम ओनली अ वेसल इन योर हैंड, आई एम ओनली अ चैनल ऑफ योर रिवर। हालेलुया। मैं तेरे नदी के उप नदी है, एक शाखा है, मैं तेरे हाथ के में एक बर्तन है, हालेलुया, उसको भर देता है। हालेलुया। मुहा मुंह भरता है ताकि इट गोज ओवरफ्लोइंग। हालेलुया। यू अनॉइंट मी, यू मेक माय फेस शाइन विद योर ग्लोरी, विद द ऑयल ऑफ योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। तेरे अभिषेक के तेल से तू मेरे मुंह को चमकाते हैं, तेरी महिमा मेरे मुंह से प्रकट होने के लिए। हालेलुया। इतना ही नहीं, तेरा आशीर्वाद से तुम्हें आनंदित करता है। योर ग्लोरी शाइन्स फोर्थ माय फेस एंड आई एम फिल्ड विद थाई अनॉइंटिंग। अभिषेक की पूर्णता में मैं चलूंगा। हालेलुया। और मैं आहार बनूंगा, मैं अनेकों का प्यास को बुझाऊंगा, अनेकों को भूख को मिटाऊंगा। द ट्रीज ऑफ द लॉर्ड आर वाटर्ड अबंडेंटली। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लेबनोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। द ट्रीज ऑफ द लॉर्ड आर वाटर्ड अबंडेंटली, द सीडर्स ऑफ लेबनोन दैट ही प्लांटेड। हालेलुया। खासियत इसमें है कि उसने लगाया है। हालेलुया। हूज प्लांट आर यू, हू हैज प्लांटेड यू, मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। हालेलुया। किसका
जाड़ में हो, किसका वृक्ष में हो, किसने मुझे लगाया है उसी में खासियत है। हालेलुया, मैं कितना ऊंचा दिखाई देता, कितना मोटा दिखाई देता, वो नहीं है। मैं कहां करा है वो भी नहीं है। हालेलुया, किसने मुझे लगाया है, मैं किसका वृक्ष हो, हालेलुया उसी में खासियत है। ऑल दैट मैटर्स इज whose tree I am, who has planted me, hallelujah, wherever I am planted, he will water me, he will nourish me. यहां पर भी क्यों न हो, अगर उसके हाथ से लगाया वो वृक्ष है तो वो हमें तृप्त करेगा। आमेन। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाते हैं, इन द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, द स्टॉर्क हैज हर होम इन द फर ट्रीज। हमें लग लग का बसेरा सनेवर के वृक्षों में होते हैं, अनेक तरह के पक्षियों का नाम लेते हैं वहां। हालेलुया, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एंड द स्टॉर्क, हालेलुया, वो बड़ा पक्षी है। चिड़िया अपने घोंसला बनाती है, आमेन, और लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। द स्टॉर्क इज आवर होम इन द फर ट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, हालेलुया, ऑल डू नॉट लुक अलाइक, हालेलुया, सब एक तरीका नहीं है। अलग अलग जगह में लगाया हुआ वृक्ष है, अलग अलग रीति से परमेश्वर का काम करने के लिए लगाया हुआ वृक्ष है। वी ऑल लुक डिफरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, हालेलुया, प्लांटेड एट डिफरेंट प्लेस, बट दे ऑल बेयर फ्रूट, हालेलुया, दे आर ऑल वॉटर्ड, हालेलुया, दे ऑल थ्राइव। हर तरह की वृक्ष है, अलग अलग दिखाई देता, अलग अलग जगह में लगाया हुआ वृक्ष है, लेकिन वो बढ़ते हैं, फूलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रयोजन का है, मालिक का प्रयोजन का है, किसान का प्रयोजन का है। हालेलुया, he is of great use to the farmer, he gladdens the heart of the one who the owner of the garden of the orchard, hallelujah, woham aise vriksh ko isliye lagaya hai ki anek log uske shakhaon mein, hallelujah, surakshit bane rahe. He has planted these trees in order to become a blessing to others, to offer shade to others, the weary ones, the lonely ones, the frustrated ones, the disappointed ones, hallelujah, the perishing ones, nashone wale लोग, मिटने वाले लोग, नाराशी में डूब पड़े हुए लोग, बलहीन लोग आकर विश्राम पाए। मैं परमेश्वर के पवन में एक हरे भरा जैतून वृक्ष के समान बने रहूंगा। आई विल बी लाइक ए ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हम वहां से जाकर भजन संगीता की पुस्तक से और एक अध्याय पढ़ते हैं और एक भजन पढ़ते हैं, 128वां बहुत मशहूर जनप्रिय भजन, 128, a very popular favorite song. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता, blessed is everyone who fears the Lord. Hallelujah. हम शुरू किया यही कहकर, धन्य है वो पुरुष, अभी एक पुरुष नहीं है, अभी कलीसिया के विषय में कहता एक पुरुष नहीं है, अनेक है। Hallelujah. क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता, blessed is everyone who fears the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उसमें मैं भी हूं, आप हैं, आमेन। जो परमेश्वर का भय मानता उसका अर्थ वहां लिखा है, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उसके मार्गों पर चलता है, वचन के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार चलता, अगुवाई के अनुसार चलता। परमेश्वर का भय मानने वाले वे हैं जो परमेश्वर का कहना मानकर चलता। Those are the people who fear the Lord, who walk in His ways, obeying His word, submitting themselves to the counsel of the Holy Spirit. वो लोग धन्य हैं। और कहते तू सफल होगा तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, मेहनत करेगा फल खाएगा तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। You shall eat the fruit of the labor of your hand. You shall be blessed and shall be well with you. धन्य बने रहेंगे, आशीर्वादित बने रहेंगे, आशीषित बने रहेंगे, हमें ऐसा लिखा है। परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगा, your labor will not be in vain. Amen. You shall reap a rich harvest. You shall be rewarded. बड़ा प्रतिफल होगा, बहुत आय से फसल काटोगे, तेरे घर के पीते तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। Your wife will be like a fruitful vine. Look at this. Wife is likened to a fruitful vine. Hallelujah. एक फलवंत दाखलता, फल रहित नहीं है, फलवंत दाखलता। Amen. पारिवारिक आशीष है, this is family blessing for such a man who fears the Lord, walks in his ways. His wife shall be like a fruitful vine. Hallelujah. वो ऐसे एक दाखलता, फलवंत दाखलता के समान होगी। आमेन।
Amen. सुखी हुई दाखलता नहीं है, फलवंत दाखलता है. She will be fruitful. She will be a blessed wife. She will nourish her children, bring them up in the fear of the Lord. बच्चे लोगों का ऐसा पालन पोषण करेगा. She will have enough to feed them with. उनको खिलाने के लिए उसका हाथ में बहुत होगा. चपाती की बात नहीं करता मैं. Talking about spiritual food, the word of God and divine counsel, स्वर्गीय सलाह और पवित्र वचन, वो फलवंत होगी. और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. हालेलुया. Your children will be like olive shoots around your table. Not only that, you will be like a green olive tree standing tall and elegant in the house of the Lord. ना सिर्फ आप एक हरे भरे जैतून वृक्ष के समान पवित्र मंदिर में दिखाई देगा, परंतु आपके संतान भी. हालेलुया. वही वृक्ष के छोटे छोटे पौधे समान बढ़ते रहेंगे. दे आर अराउंड योर टेबल. दे आर नॉट इन डिस्कोथेक्स. दे आर नॉट इन सिनेमा हॉल्स. दे आर नॉट रोमिंग विथ देयर वर्ल्डली फ्रेंड्स. दे आर नॉट डूइंग थिंग्स स्टेल्थली एंड इन द हाइडिंग. तेरे संतान तेरे मेज के चारों ओर पाए जाएंगे. आमेन. पिक्चर देखने वालों के संग में नहीं, नाचने वाले डिस्कोटेक में नहीं, दुनिया वाले के सामने जैसे लोगों के साथ मित्रों के साथ घूमने वाले नहीं, तेरे मेज के चारों ओर बैठकर पवित्र भोजन करेगा, उपदेश पाएगा. आमेन. तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. ढूंढ के जाना नहीं पड़ेगा, सोच के बैठना नहीं पड़ेगा अभी वो कहां होगा कहां होगी, सोचना नहीं पड़ेगा. आमेन. आमेन. परमेश्वर के संग चलेंगे, पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार चलते रहेंगे. जो पुरुष यहोवा का भय मानते हो वैसा ही आशीष पाएगा. बिहोल्ड दैट शैल बी द मैन हु इज ब्लेस्ड हु फियर्स द लॉर्ड. वो मनुष्य के विषय में पहले भजन में हमने पढ़ा. ही इज दैट मैन planted by the riverside. Hallelujah. नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष के संतान भी ऐसे है. Hallelujah. ऐसे ही पौधे होंगे, ऐसे ही दाखलता होंगे. Hallelujah. यहोवा तुझे सियोन से आशीष देगा. Hallelujah. The Lord will bless you from Zion. आशीष सियोन से निकलती है. Hallelujah. दुनिया से नहीं निकलता. I will stay put in the house of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I will be blessed here. I will flourish here. I will thrive here in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में ही मेरा पालन पोषण होगा. यहां से आहार खिलाया जाएगा, यहां से मैं अनुग्रह प्राप्त करूंगा, यहां से मैं आशीषित बने रहूंगा. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless your sign. You may see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. जीवन भर यरूशलेम का खुशहाल तो देखते रहोगे. सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ लाभ नहीं है. Hallelujah. It's not only your selfish desires that will be satisfied. Hallelujah. ऐसा नहीं है. Hallelujah. सिर्फ स्वार्थ इच्छा नहीं है. कलीसिया आनंदित हो जाएगा. परमेश्वर के जन प्रगति पाएंगे. People of God will prosper. Hallelujah. The church will be perfected and you shall behold it. तुम देखोगे. Hallelujah. Hallelujah. वरन अपने नाती पोतों को भी तू देखने पाए. इसराइल को शांति मिले. May you see children, peace be upon Israel. ऐसे ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आशीषित बने रहेंगे. आने वाली पीढ़ी अनुग्रह का कारण बनेंगे. Dearly beloved, we are likened unto such a tree planted by the rivers of God. हालेलुया. परमेश्वर के नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष है. हम परमेश्वर के भवन में एक हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहेंगे. Like a green olive tree that thrives in the house of the Lord, a source of blessing. Hallelujah. Under whose shadow many a bird and many a weary animal will find rest. Hallelujah. And the birds will sing in its branches. Uske shakhaon mein aise anek chidiyan geet gayenge. Hallelujah. Khushiyan manayenge. Uske chhaon mein anek thake hue janwar, anek aise log vishram payenge. Yeshu ke naam mein amen. Ye kavita ka pustak se bahar nikalne se pehle ek do vachan hame niti vachan se padhte hain. Before we move out of the poetic books, may we look into the book of Proverbs. Read a couple of verses from there. तीसरे अध्याय का 18 पढ़ते हैं. जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है. She is a tree of life to those who lay hold of her.
Those who hold her fast are called blessed. जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है. ज्ञान के विषय में, बुद्धि के विषय में, स्वर्गीय ज्ञान के विषय में कहते हैं हमारे लिए यीशु क्रिस्त ही परमेश्वर का ज्ञान है. Jesus is the wisdom of God for us, unto us. Amen. It's like a tree of life. Hallelujah. मजबूती से हम वो वृक्ष को पकड़ कर रखेंगे तब हम बने रहेगा. Because we hold on to that tree of life. Amen. We thrive in the house of the Lord. In the company of that tree. Amen. We thrive. वो वृक्ष के साथ लगाए वो वृक्ष हम बनकर. ज्ञान का वृक्ष है. आमेन. बुद्धिमानी का वृक्ष है. दैट इज द ट्री ऑफ विजडम, द ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. वी विल क्लिंग ऑन टू हिम, क्लिंगिंग ऑन टू हिम, वी विल थ्राइव इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. वहां से 11 अध्याय में से और एक वचन पढ़ता. वी लुक इन टू द 11th चैप्टर एंड रीड वर्स 30. 11 अध्याय में जाकर 30वां वचन पढ़ते हैं. धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है. द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज ए ट्री ऑफ लाइफ. हालेलुया. इवन आवर फ्रूट, हालेलुया, विल बर्थ मेनी ए ट्री ऑफ लाइफ. हमारा फल से अनेक वृक्ष, अनेक पौधे, अनेक जाड़ उत्पन्न किया जाएगा. धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है. बुद्धिमान मनुष्य लोगों को मन को, लोगों के मन को मोह लेता है. And whoever captures souls is wise. Amen. हम मनुष्य के हृदय पर कार्य करता है. हमें रूपांतर होता है. When we abide in him, when we become fruitful, hallelujah, we impart life. हम जीवन देने वाले होंगे, मनुष्य के हृदय को बदलने वाले होंगे. Amen. Amen. दुनिया वाला प्रभु को जाने, मिलकर उसकी आराधना कर सके. हमें अनंत जीवन के मार्ग में होकर हम चले. महिमा प्रभु की हो. हमें हमें मे वी वॉक इन द वे ऑफ द लॉर्ड. मे मेनी ज्वाइन अस इन दिस वे ऑफ लाइफ, इन दिस वे एवरलास्टिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. इन जीसस नेम, अमेन. यीशु के नाम में अमेन.